अब देखिएगा आप लोग कैसे शान और पारो ना आपके इसी स्टेज में धमाल करेंगे। हाँ हाँ, अरे खूब प्रैक्टिस की है दोनों ने। दादा मुझे ना यकीन नहीं हो रहा कि कल मेरी शादी हो रही है। एक्साइटमेंट में बन रह जाऊं मैं। आप भी यही फील कर रहे हो ना? ऑफ कोर्स। फंक्शन शुरू करते हैं। शुरू करें? ठीक है। हाय रब्बा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है, क्या करूं मैं, कैसे मदद करूं बच्चों की। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सब यहां आए उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब दिल थाम के रखिए क्योंकि आज की शाम बहुत ही रॉकिंग होने वाली, एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेस आपके सामने पेश होंगे। तो सबसे पहले इस महफिल को रंगीन बनाने आ रहे हैं हमारे सर और आप सबके रविंद्र मौजूमदार, और उनका साथ देने आ रहे हैं सबसे एंटरटेनिंग डांसर बिजॉय फूफा जी। हमारी होने वाली सासुमा और बुआ का, निर्दिता जी और मौसमी जी। अरे अभी हमारी परफॉर्मेंस कहाँ है? अरे भाभी अभी या बाद में क्या फर्क पड़ता है, चलिए ना। हाँ, और परफॉर्मेंस के वक्त आप फोन कैसे ले जाएंगे? आप मुझे दे दीजिए ना। नो नो, इट्स ओके। अरे भाभी दीजिए, मुझे दीजिए, मैं रख के आती हूँ, बाद में ले लेना, ठीक है, परफॉर्मेंस के बाद। मौसमी आइए आइए आइए। अरे नाम अनाउंसमेंट हो गया, अरे आइए ना। यहाँ जो लोग है उनमें से कौन हो सकता है? करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं निवेदिता आंटी के मैसेजेस चेक करती हूँ। आप हमारे फोन के साथ क्या कर रही हैं आंटी? वो मैं आपका फोन अनलॉक करने की कोशिश कर रही थी, पासवर्ड नहीं। आपका और मौसमी बुआ का डांस रिकॉर्ड करना था ना। हाँ, मेरी फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है तो इसलिए। आप थकी हुई लग रही है, मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। जी आदित्य, मेरी बात सुनो। मैंने व्हाट्सएप पे तुम्हें एक नंबर भेजा है, तुरंत की तुरंत पता करो कि वो नंबर किसका है। निर्दिता मौजूमदार का पार्टनर है, पता करो। ओके, मैं पता करता हूँ। जाओ, कहीं आंटी को शक तो नहीं हो गया? एवरीवन, मुझे ये सिंगिंग इवेंट की शुरुआत धमाके से करनी थी। अस्मिता जी, ये आपके लिए। यूं तो इस जिंदगी में कई लड़कियां देखी हैं मैंने, लेकिन एक ऐसी नहीं मिली जो इस हृदय के हृदय को जीत सके। आपकी सादगी, आपकी समझदारी और आपकी खूबसूरती ने दीवाना कर दिया है मुझे। ये दिल, ये जान अब आप पर कुर्बान। आपका
इतनी लापरवाही, किसने कहा था सुपरमैन बनकर स्टंट्स करने के लिए? डॉक्टर अंकल, क्यों नहीं कर सकता मैं स्टंट्स? सुपरमैन नहीं आ पाई जो इसलिए, राइट? अब ये कह रहे हो ना? बस कीजिए रिजॉय, आप ये क्या बोले जा रहे हैं? आपकी शादी है और आपने क्या हाल बना लिया है अपना? क्या हाल बना लिया? कुछ हाल नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। फिर ठीक हूँ ना मैं दादा, क्या हुआ मुझको? जी नहीं, अब बिल्कुल ठीक नहीं हो। और हाँ, ये शादी को पोस्टपोन करना होगा, ये फिट नहीं है शादी में बैठने के लिए कल। मैं ना एक ही बात बार बार दोहरा रही हूँ और आज फिर से कह रही हूँ कि इस शादी का एक भी फंक्शन बिना किसी विघ्न या कलेश का नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग हो कि मेरी बात मानते ही नहीं हो। मेरी बात आपके पल्ले नहीं पड़ती है क्या? ठीक है, करो मनमानी, फिर भुगतना। मामा, ये दादी बाबी ना, इनको क्या है यार, ये बात तो क्या गलत बोला उन्होंने? तो एक छोटी मोटी ऊंच नीच होना एक बात है, लेकिन अगर इस शादी से हाथ पर आज भी आई, हमें ये शादी मंजूर नहीं है। नो, आप लोग ये समझ, हर बार हर चीज को शादी पर डालने की क्या जरूरत है? जब देखो शादी पे ब्लेम करते हैं क्यों? मैंने एंटी एंजाइटी का इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में वो शांत हो जाएंगे। हमारी शादी होगी, मर जाऊंगा अगर ये शादी कैंसिल है, मर जाऊंगा। खान बाबा, बुरा तो मुझे हृदय के लग रहा है, उसके उसके दिल को चोट पहुंचेगी, बिखर जाएगा वो। आई जस्ट होप कि सच्चाई जानने के बाद वो समझ जाए कि मैंने ये सब एक नेक इरादे के साथ किया, अपने दोस्त शांतनु के लिए। बस एक बार मैं पता लगा लूं कि निवेदिता मौसमदार का पार्टनर कौन है, तो सबके सामने उसका पर्दाफाश करके ही रहूंगी शादी के मुहूर्त से पहले। ध्यान बाबा, वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं चाहे जो भी हो जाए, बात तो तय, मैं हृदय के साथ शादी नहीं करूंगी, ये गलत है। मैं चंदा का पता चल गया है, उसे लास्ट टाइम सोनाकाची में देखा गया। चंदा माँ ऐसे अचानक क्यों चली गई होंगी? मुझे ऐसा लगता है उनके गायब होने का ताल्लुक निर्दयता मौजूमदार से था। चंदा ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, लेकिन पुचकी, तुमने जो भी सोचा है, जैसा भी सोचा है, अगर वो सब कुछ तेरे प्लान के हिसाब से नहीं हुआ तो, अगर निवेदिता मजूमदार का सच सबके सामने ना ला पाई तो सोचा है क्या होगा? ना चाहते हुए भी तुझे हृदय के साथ शादी करनी पड़ेगी, और शांतनु को पारो के साथ, फिर क्या होगा? बस कुछ ही घंटों में ना तू चाचा चौधरी के दहलीज पे अपना पहला कदम रखेगी। दुग्गा रे दुग्गा, मेरा श्राप और मेरी बद्दुआ ना अब मेरी ही आंखों के सामने रंग लाएंगे। पर अब तू ये भी दुआ कर ले कि कल कोई तमाशा ना हो बस। अरे तमाशा करने वाली वो औरत तो मेरे कब्जे में है, और अगर उस औरत ने मुंह खोलने की थोड़ी सी भी गलती करी ना, तो अपने बेटे शान मजुमदार से हाथ धो बैठेगी। और रही बात उसकी, उस आशिकी की, बड़ी आंख वाली लड़की, क्या नाम है उसका? अस्मिता। अस्मिता। उस पर तो मेरी आंखें 24 घंटे टिकी हुई गिद्ध की तरह। बस परमिता, अब एक खेल खत्म और एक खेल शुरू। बस एक बात बता, क्या जरूरत थी उस लंगड़े को गुलाटी मारने की? पगला गया है उसके प्यार में। बस परमिता, अब उल्टी गिनती चालू कर,
बारो कुछ ही घंटे रह गए हैं तेरे पास, क्योंकि कुछ ही घंटों में तू बनने वाली है मिसेस पोरोमिता शान मजुमदार। सर मम्मा कहाँ है? गहरी सोच में है रितोय की शादी को लेकर के, कि कल शादी होगी कि नहीं तय नहीं कर पा रही। बेटा रितोय की शादी का पता नहीं, लेकिन आपकी तो शादी होगी ना? सर सर ऐसी हालत में मैं कैसे शादी करूं? मेरा मन नहीं मानता सर। हाथ जोड़ता हूं शान, अब और सरप्राइज और शौक नहीं। सर प्लीज, पहले ही शादी का मजाक करा हो गया, मीडिया शादी को कवर कर रही है, बाहर से मेहमान आ चुके हैं। बेटा बात इज्जत की बनाई है, अपनी शादी को कैंसिल मत करना, ये आपके शर्मन। आप ही ने पुचकी और शांतनु को साथ रखा, उनकी किस्मत की लकीरें आप ही ने जोड़ी रखी ना। परसों पहले जो कहानी शुरू की थी उसे आप ही को पूरा करना होगा माँ, आप ही को अंजाम देना होगा उसे। ने उन्हें मिलाया तो उनके पीछे ये दुनिया क्यों, इम्तिहान क्यों? ये इम्तिहान मेरे बच्चों का नहीं है माँ, आपका है। अगर आप हैं, आपकी दिव्य शक्ति है, तो आपको पुचकी और शांतनु को एक साथ लाकर अपने होने का सबूत देना होगा। शांतनु और पुचकी को मिला दो माँ, वरना आपकी ये भक्त आपके सामने ये दिया कभी नहीं जलाएगी, कभी नहीं मानेगी आपको। एक भक्त के भरोसे का वास्ता है मां आपको। उठ खड़ा, पागल हो गया क्या? ऐसा कुछ नहीं है। आप तो जानते हैं ना दादा, कि आपके बिना आपका जूनियर अधूरा है। आप ही ताकत हो मेरी और आप ही कमजोर। दादा दुनिया चाहे जो कहे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है था कि आप अपना दिया हुआ वादा जरूर निभाएंगे। दादा बारह बज चुके, हाथ शादी हमारे, मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी और अस्मिता जी की शादी जरूर करवाएंगे। है ना दादा? अस्मिता जी लूट कर पूरा मान कर चली गई, मुझे नहीं लगता कि वो मंडप में आएंगी। दादा अगर आज मेरी शादी नहीं हुई ना तो मैं कसम से कह रहा हूं आप सब मेरा मरा मुंह देखे। मुझे आज कह दिया, दोबारा ऐसा बोलने की हिम्मत भी मत करना तू। मेरा वादा है तुझसे, तेरे बड़े भाई का वादा है, तेरी दुल्हन को मंडप तक मैं ले जाऊंगा, तुम्हारी अस्मिता को मंडप तक मैं लेके आऊंगा, मेरा वादा है तुझसे। ये सुहाग का जोड़ा है मेरे जूनियर की दुल्हन का घूंघट, मजूमदार खानदान की छोटी बहू का घूंघट,
तुम्हारा बंधु, तुम्हारा बूढ़ो, आज तुमसे कुछ मांगने आया, कुछ की जो मांगूंगा वो तो की शांतनु की कसम, अगर आज तुमने रितुआ से शादी करने से इनकार कर दिया तो मेरा मरा मुंह देखो। मेरे खुद का फैसला लेने के हक छीन लिया तुमने। इस बलिदान में तुमने मुझे हिस्सेदार बनाया। रिदोय, दरवाजा खोल दीजिए। रिदोय, क्या हुआ? रिदोय, क्यों कर रहा है तू ऐसा? हाँ, अरे चिंता से तेरी माँ की जान जा रही है। दरवाजा खोल। अरे क्यों सता रहा है हम सबको? ये क्या तरीका है? हाँ, कब से दरवाजा खटखटा रहे हैं हम? हमारा मन घबरा रहा था, कितने डरावने ख्याल आ रहे थे। आपको हमारी जरा भी चिंता नहीं है, हम आपसे बात कर रहे हैं। आप परेड है मेरे लिए, अच्छा है आप होइए वरिड मेरे लिए, क्योंकि आपके मन में जो भी डरावने ख्याल आ रहे हैं वो जल्द सच होने वाले हैं। क्या हो गया है आपको? क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? रिदाय, हमने आपके लिए क्या नहीं किया और आज हमें ये सुनने को? और क्या करूं मैं मम्मा? मेरे लाइफ की सबसे बड़ी खुशी आप मुझसे छीनना चाह रहे हो, पर आप चाहते हो कि मैं मान लूं? मामा, आप समझ नहीं रहे हो कि अस्मिता जी मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ये शादी मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको एक बात बता देता हूं मामा, अगर आज मेरी शादी नहीं हुई ना अस्मिता जी से, तो आपके सारे ख्याल सच हो जाएंगे और आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। हम जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे वही होगा। आप जीते, हमारे आपकी शादी होगी और आज ही होगी। लेकिन नीवी वो दादी, वो प्लीज, हमारे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रिदोय की खुशी है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। हम आपकी खुशी के बीच में आकर आपको खोना नहीं चाहते। चलिए, हमें बहुत सारे काम है, शादी की तैयारियां करनी है, और आप भी तैयार हो जाइए। पुत्र, अस्मिता को वो जरूर आएगी। दादा ने वादा किया मुझसे और दादा अपना वादा हमेशा निभाते। मैं तैयार हो जाता हूँ।
दीजिए। बाबा दीजिए, शगुन है, आप दीजिए मुझे। पूरी दौर से शादी नहीं कर सकती। बाबा चुप हो जाइए। पता नहीं चंदा माँ भी कहाँ है। दो माँओं के होते भी अपनी लड़की को कोई विदा करने भी नहीं आया। पठान बाबा बस पल भर में ही पराया कर दिया ना अपने बड़े भीम को। नहीं पठान बाबा, ऐसे कैसे पराया कर दिया। आपने तो मुझे माँ बाबा दोनों का प्यार दिया, बड़ा किया आपने मुझे। पता नहीं आज छोटी माँ और बड़ी माँ की याद आ गई। तो किसने सोचा था कि सोनागाजी की एक लाचार बच्ची यहाँ तक पहुंचेगी, पुलिस ऑफिसर बनेगी, फौजदार खानदार। आपके कंधों पर बिठा कर ना आपने मेरा कद और ऊंचा कर दिया। पठान बाबा आपके एहसानों को झुकाने की हैसियत नहीं है मेरी। अगर इतना ही प्यार और सम्मान करती हो तो मान लो ना मेरी बात गुड़िया रानी। मैं ये वादा नहीं तोड़ सकती, कभी नहीं। दुनिया के ना सारे रिश्ते एक तरफ और हमारी दोस्ती एक तरफ। पठान जी आप इधर आइए। पठान जी खुद को संभालिए वरना किसी को भी शक हो जाएगा। अब हाथ से निकल गया रानी साहब, अब कुछ नहीं हो सका। एक कसम निभाने की खातिर उसकी तीन तीन जिंदगी अब बर्बाद करने के राह पे चल पड़ी। शांतनु की, हृदय की और खुद की अपनी, और अभी तक तो उसने शादी का जोड़ा भी पहन लिया होगा। एसपी साहब जबकि उसे ये पता है कि वो घूंघट नहीं कफन है उसके लिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। देखो इतनी भी देर नहीं हुई है कि हम बात को संभाल ना सके। बच्चे अगर गलत रास्ते पे चल पड़े ना तो बड़े होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें रोके, और गलत को रोकने के लिए गलत रास्ता चुनना भी पड़े ना तो वो भी सही है। देखो वक्त किस्मत पर रोने का नहीं है, किस्मत बदलने का है। अस्मिता को हम शादी के मंडप तक नहीं पहुंचने देंगे, चाहे उसके लिए हमें उसे अगवा क्यों ना करना पड़े। अस्मिता मंडप तक नहीं पहुंचेगी, मैं तैयार हूं। क्या आप दोनों मेरे साथ हो? We'll be right back.
पूरा ड्रामा और ये सारा हंगामा मिलेगा सिर्फ Zee5 पर, वो भी फ्री।